अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हारिस और माखा उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आपका भाई भी फुल फिट एंड फैट फैट। तो जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में कमेंट किया हुआ था कि यार आप लोग भी मुझे रिकमेंड करो कि कौन सी जगह मैं ट्राई करूं, तो अनवर भाई ने कमेंट किया था और उन्होंने तीन तीन लंबी लंबी जगह ना उधर लिखी हुई थी। तो आज अनवर भाई की रिकमेंडेशन के मुताबिक जाके जगह वो ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी चीज़ें उधर की मिलती हैं हमें। तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर, लेट्स गो। जेजा जी चने किधर है? जेजा जी चने पता नहीं, पता समझ नहीं आई। जेजा जी चने वाला पता नहीं भाई, इतने कोई जेजा जी भी है ना? जेजा जी चेजा सी जेजा जी जेजा जी जेजा नहीं होता नहीं सन जेजा जी ऐसे रोड पे ऐसे रोड पे कोई नहीं का। अच्छा अस्सलाम वालेकुम भैया, यहां पे कोई जेजा जी चने वाला है? जेजा 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 है कोई जेजा? तो अनवर भाई जो आपने जितनी भी जगह बताई है ना, यकीन करो कोई एक भी गूगल मैप्स के ऊपर भी नहीं है। और अभी पूछ पूछ के हम पहुंच रहे हैं, देखो शायद कोई मिल ही जाए, अल्लाह करे। इसी हम कोशिश में है कि अब हम जेजा जी चने वाला जो है ना वो हमें मिल जाए। बड़े लोगों से पता किया नहीं, अब चल रहे हैं। तो फाइनली अनवर भाई आपकी पहली लोकेशन तो मिल चुकी है। ये मेरे बिल्कुल पीछे है बगदादी सुरीद वाले, इनकी हलीम फेमस है। और लोकेशन मैंने तो गूगल मैप्स पर ढूंढी थी, मुझे नहीं मिली थी, तो मैं आपको ना थोड़ी लोकेशन इनकी गाइड कर देता हूँ। और ये बिल्कुल सामने है जी गुलिस्तान सिनेमे वाला चौक, काफ़ी फेमस है। और ये सामने शेल का पेट्रोल पम्प भी है, और उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर आता है जी नगमा सिनेमा, उसके बिल्कुल साथ इनकी शॉप है। और इसके अलावा इनकी शॉप के बिल्कुल सामने यहाँ पे आ रहा है मेट्रो सिनेमा, ये भी मेरे ख्याल से बंद हो चुकी है, बिल्डिंग अबंडन हो चुकी है। और ये बिल्कुल सामने यहाँ पे बगदादी सुरीद है और इनकी हलीम फेमस है। तो जाके ट्राई करते हैं फिर। तो भाई अपनी हलीम आ चुकी है, एक इसमें ये चिकन का पीस है हलीम के अंदर, और एक ये है जिसके अंदर दो कोफ्ते इन्होंने दी। प्राइस अभी मैंने पूछी नहीं है, प्राइस भी एंड पे देख लेते हैं क्या है। और साथ साथ इन्होंने चम्मच दिया है कि साथ उसके आप खा लो, और ऊपर ये इस तरह तड़ी डाली है। और ये अपना ये नरम सा नान आ चुका है, मोटा मोटा सा नान है, ट्राई करते हैं इसके साथ। सबसे पहले ये सिर्फ सादा हलीम जो है वो ट्राई करते हैं। ये अपनी हलीम आ चुकी है, है तो भाई मोटी मोटी थिक सी, बिस्मिल्लाह की वाहला बरकत। समझ लो कोई समझ नहीं आई कि हलीम है या क्या, मुझे इस तरह थोड़ी भी फीलिंग आई है जैसे कड़ी सी है। साथ ये कोफ्ता है, कोफ्ते के साथ भी एक ट्राई कर लेते हैं। ले जी बड़ा सा नवाला, यकीन करो नहीं पता चल रहा ये हलीम है या क्या चीज़ है। और कोफ्ते का भी जो टेस्ट है वो भी बहुत नॉर्मल है, इतना कोई खास नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई अनवर भाई की रिकमेंडेशन के मुताबिक बगदादी सुरीद भी ट्राई कर ली है, और हलीम नहीं थी, दाल सी थी पर थी। सर मैं जो है ना, पहले तो बात यह है कि इसको अपना नाम चेंज करना चाहिए, बगदादी सुरीद से चाहिए कि बगदादी बेसुरीद करना चाहिए इसका नाम, ठीक है। दूसरी बात यह कि बड़ी यंग हलीम हम खाए हैं अभी, वो हलीम उसने बनना था अभी। अच्छा, अभी वो दाल ही थी तो उसने पहले खिला दी हमें, ठीक है। तो ऐसा ना कोई लवाजमत है, पहली दफ़ा ज़िंदगी में हलीम खाई जिसमें नींबू नहीं डला, अदरक नहीं डली, कोई सामान ही नहीं डला उसमें, ठीक है वो हमने खा ली। और यकीन करें कि वो मुझे तो पहले ये समझ नहीं आ रही कि चिकन उसमें क्या कर रहा था, वो कोफ्ते क्या कर रहे थे उसके अंदर, ठीक है। मैं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि घर में ना कोई तीन दिन पुराना सालन पड़ा हो ना, वो जम जाता थोड़ा सा, ठीक है, वो निकाल के मैं खा आया हूँ। और यकीन माने कि टेस्ट बिल्कुल टेस्टलेस था। तो मैं ये कहता हूँ कि जी बगदादी बेसुरीद आप ना जाए, कहीं भी नज़र आया आपको बगदादी बेसुरीद, आप बिल्कुल भी अपने पैसे पर बात ना कीजिएगा सर जी, कि रेड़ी से खा लें, रेडी से खाएंगे यकीन मैंने, वो भी आपको नींबू देगा साथ, वो चीज़ें सारे सामान साथ आपको देगा, इसने नहीं दी। तो बहुत बड़ा ऑफ सीन है सर, ऑफ सीन है भाई। अब देखते हैं कोई और सीन बनता है, नहीं तो शाम को फिर शेख बाबा सीख कबाब वो भी ट्राई कर लेते हैं। जेजा जी तो नहीं मिले भाई, हाथ जोड़ जोड़ के पूछे भाई जेजा जी दबा दो कितने है जेजा जी, लेकिन नहीं मिला भाई। मुझे लग रहा है जेजा जी हमें कब्रिस्तान में मिलेंगे, वो फौत हो चुके हैं अभी सर। Thank you.
तो भाई अपने टेस्ट बर्ड्स को चेंज करने के लिए अभी हम पहुंचे हैं यूसुफ लूदा ओल्ड अनारकली और जाके देखते हैं क्या सीन चल रहे हैं और वो भी खाते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे ये बताइए कि अपने पास क्या क्या मिल जाता है यहाँ पे? कुल्फी फालूदा है, रसमलाई है, खीर है। सही। और अपना अच्छा। स्पेशल क्या इधर का? ये कुल्फी फालूदा ही है। कुल्फी फालूदा। और अपनी दुकान को कितनी देर हो चुकी है? 7-10 साल हो चुके हैं। और अपनी टाइमिंग क्या है? 24 घंटे सर। 24 घंटे? हाँ जी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और ये आ चुके हैं अपनी लटकी सेवियों के साथ साथ में, ये कुल्फी ऊपर तुरंत लग गया थोड़ा सा, तो ये ट्राई करते हैं। ठंडी ठार कुल्फी, मज़ेदार भाई। ना तो इतना तेज़ मीठा है, ज़बरदस्त यार, बैलेंस फ्लेवर है इसका भी, स्वाद आ। तो अनवर भाई, आपकी थर्ड रिकमेंडेशन जो थी ना, शेख बाबा सीख कबाब नियर शीश महल कश्मीरी चाय, तो वहाँ पे गया हूँ मैंने, काफ़ी ढूंढा है। तो आसपास से जब पता कि उन्होंने कहा है कि शेख बाबा सीख कबाब बंद हो चुका है, और अब सुहेब भाई की डिमांड थी कि अब इनकी रिकमेंडेशन है कि आ जाओ आप बट कढ़ाई ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये लक्ष्मी चौक है, तो यहाँ पे भी अन्नेवा गुजर गई है पीछे अन्नेवा इधर बट कढ़ाई है, और हम तो ही थोड़ा आगे आ गए हैं, और आपको दिखाते हैं कि भाई असली वाली बट कढ़ाई ही कौन सी है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बट कढ़ाई वाले मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आसपास जितने भी हैं उनमें से आपने ढूंढनी है ये नदीम बट, इसका मैं आपको क्लोज़अप देता हूँ। हाँ, तो इनकी लोकेशन मैं आपको गाइड कर देता हूँ, वो सामने वहाँ पर है जी लक्ष्मी चौक, काफ़ी फेमस है, उसके बिल्कुल सामने आपको यहाँ पर सारी कढ़ाइयों वाले मिलेंगे, और आपने आना है जी नदीम बट पे, ये ओरिजिनल वाले हैं, और जो हमारे आरएचएस भाई हैं उन्होंने भी यही रिकमेंड की थी। तो चलते हैं अब जाके इधर अपनी कढ़ाई वगैरह तैयार करवाएं और फिर खाएं, लेट्स गो। और माशाल्लाह से अपनी चिकन कढ़ाई आ चुकी है, और साथ में है जी सादा रोटी। चेक करते हैं जी भाई, बट साहब का बड़ा नाम सुना हुआ, हम भी आते बट हैं। ये आ चुकी है जी चिकन कढ़ाई, और पहला नवाला में ओह ज़बरदस्त किस्म की बनी है, यानी कि मार्केट में जितनी भी कढ़ाई है ना उनसे डिफरेंट ही है, ग्रेवी भी मज़ेदार है, और स्पाइसेस भी जो हैं वो नॉर्मल है, ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, तेल को छोड़ के। मुंबई कैसी लगी आपको? बहुत ज़बरदस्त, अच्छा टेस्ट है। न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कढ़ाई तो खा ली है, और रिव्यूज इस तरह है कि यार टेस्ट तो वाकई इनका बहुत ज़बरदस्त है, कि ऐसी कढ़ाई का टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। लेकिन बात यह है कि भाई प्राइस भी काफ़ी हाई है, कि नॉर्मल जो सादा ब्रायलर मुर्गी होती है वो भी 1350 रुपये में, इतने में तो मेरे ख्याल से देसी घी वाली भी मिल जाती है। तो बस बात यही है कि प्राइस इनकी हाई है, बाकी टेस्ट तो भाई ज़बरदस्त था, हाईली रिकमेंडेड है। और अनवर भाई, जो आपने लोकेशन बताई थी ना कश्मीरी चाय शीश महल की, तो एंड पे फिर वही कवर कर लेते हैं, क्या कहते हो? चले फिर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह करम। अच्छा, अपने पास क्या क्या मौजूद है? अपने पास सर कश्मीरी चाय होती है, फिरनी होती है, पैटर्स कटाई, पेड़े, बाकरानी। ठीक हो गया। और ये क्या रेट है कश्मीरी चाय का? सर 70 रुपये का कप छोटा है, और 90 रुपये का प्याला है। ठीक हो गया, आप एक काम करें 3 कप का। ठीक हो गया पेड़े भाई। और ये रहा जी अपना कश्मीरी चाय का कप, वो भी शीश महल वालों का। ये पीने के बाद ऐसी शक्ल बनती है। हाँ, तो भाई कश्मीरी चाय पीते पीते आज की वीडियो इधर ही एंड करते हैं, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, जो भी करना हो कमेंट शेयर कुछ भी, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाय पियो, अल्लाह हाफिज़।